अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो कितना अच्छा मौसम है, अभी शाम को 5 बजे हुए हैं। माशाल्लाह आप लोग खैरियत से हो। देखो आज मैं क्या क्या बनाने जा रही हूँ। आज मैं हरे चिमी की घुगनी बनाऊँगी, सब पहले तैयार कर ली हूँ, अभी बनाने के रेडी करूँगी। सब रेडी हो गया है, बस बनाने को है। आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होगा। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो, कुछ जवाब भी नहीं देते हो। क्या मेरा बनाना पसंद नहीं है क्या आप लोगों को? कैसा मैं बनाती हूँ कैसा नहीं बनाती हूँ आप लोग बताओगे तभी मैं जानूंगी ना। इसको मैंने धुल लिया अच्छे से पहले। यहाँ पे देखो कढ़ाई में तेल रख दिया, अभी इसमें प्याज डालेंगे, अब इसमें टमाटर डालूंगी, अब इसमें बटाना डालूंगी। मैंने इसमें हल्दी नमक डाल दिया है, आप अपने अनुसार डाल सकते हो जितना आपको चाहिए। अभी इसमें चटनी डालेंगे, इसमें चटनी डाल दी हूँ, थोड़ा सा पानी डालूंगी आलू गलने के लिए। अभी पानी डाल दिया, आलू हो जाएगा तो हमारी घुगनी तैयार हो जाएगी। माशाल्लाह से गोश्त बनाने जा रही हूँ, इसको अलग से नहीं भूजूंगी, सब इसी में डाल के रखूंगी, ऐसे भी बहुत अच्छा बनता है। मैं इसको डाल दी हूँ, इसमें कांदा मसाला जो भी डालना इसमें ही सब डालूंगी। माशाल्लाह से कांदा भी डाल दिया इसमें, माशाल्लाह से इसमें टमाटर डालती हूँ। यहाँ पे मैंने मसाला निकाला है, अब इसको डाल देती हूँ। नमक अपने अनुसार डाल सकते हो। यहाँ पे देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है, थोड़ा सा 2-3 हरी मिर्ची डाला, आपको तीखा या ना तीखा जैसा पसंद है आप डाल सकते हो। अब हम इसमें तेल डाल देंगे, ऐसे भी बहुत अच्छा बनता है, एक बार बना के तो देखो। आप अपने हिसाब से तेल डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे 3 चम्मच तेल डाली हूँ। अब इसको सीटी लगा देंगे, गैस पे लगा देंगे। ये देखिए हमारी घुगनी बनके तैयार हो गई है। जा रही हूँ कीमा भूजने, अभी तेल डाल दिया इसमें, अभी कांदा डालेंगे, अभी प्याज को अच्छे से लाल कर लेते हैं। यहाँ पर देखो गोश्त की एक सीटी आ चुकी है, 3-4 सीटी में अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पे कीमा डालेंगे, कांदा थोड़ा ज़्यादा लाल हो गया, अब इसमें हल्दी डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, अब इसमें चटनी डालेंगे, इसको हम कीमा रोल बनाने वाले हैं। देखो ये कीमा अच्छे से हो गया, अब इसके ऊपर से कांदा और धनिया पत्ती डालेंगे, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, खूब अच्छी तरह से इसको पकाएंगे, नहीं तभी कीमा रोल अच्छा लगेगा। यहाँ पे देखो सीटी भी आ चुकी है, अब इसको खोल कर देखते हैं कैसे बनाएंगे। ये देखो गोश्त भी बनके तैयार हो गया है, इसमें सिर्फ धनिया पत्ती डालना, देखो कितना अच्छा बना। आप लोग बताते हो नहीं कैसे मैं बनाती हूँ, अच्छा नहीं लगता क्या आप लोगों को? कीमा रोल बनाने के लिए देखो तैयार हो गया है, यहाँ पे मैदा भी सान के ले लिया है, अभी बनाने जा रही हूँ। देखो हो गया हमारा गोश्त, कीमा रोल बनाने के लिए मैंने इसको ऐसे रख दिया है, इसको रोल करेंगे। देखो दोनों तरफ से इसको कवर कर लिया, इसको पानी लगा के फिर इसको लपेटेंगे, ऐसे देखो सब ऐसे बनाएंगे, फिर इसको तेल में फ्राई करेंगे। अभी इसको तेल में फ्राई करेंगे, यहाँ पे तेल रख दिया देखने के लिए।